करना पड़ेगा। चलिए, रोज, ग्लैडियोलस, डहेलिया, कार्नेशन, जर्बेरा एंड ऑर्किड्स, ये सारे के सारे हमारे कट फ्लावर में आते हैं। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है रोज। तो जी कौन क्या कहना चाहिए? सभी अपना जो माइक है वो अनम्यूट कर लेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यदि किसी को बोलना है तो हैंड रेज कर देना, मैं सुन लूंगा। यहाँ पे रोज को हम परफ्यूम ऑफ गॉड, किंग ऑफ फ्लावर, सिंबल ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ मैनकाइंड भी कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी जितने स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, मैं आप सभी को ये मानता हूं कि आपको फ्लोरिकल्चर का बेसिक नॉलेज है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन ना जानता। तो मैं ज्यादा एलोबरेट यहाँ पर नहीं करूंगा, बिकॉज ये रिविजन क्लास है और यहाँ पर हमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को डिस्कस करना है कम टाइम, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, बट आपका एक रिदम बनाने के लिए आया हूँ कि आपके माइंड में फिर से वो भाई, जिसका भी ये माइक चल रहा है, देखिए अनम्यूट कर दीजिए, फिर मुझे क्या है कि पार्टिसिपेंट में जाके अनम्यूट करना होता है। रेडमी जी, महिपाल भैया, म्यूट कर दिया करो आप अपने आप को, ठीक है। जैसे ही आया करो म्यूट कर दिया करो, थोड़ा सा समझो, समझदार हो फिर भी। ये देखो आपने फिर से उसको अनम्यूट कर दिया, म्यूट मैं यहां से कर दिया हूं, अब मत कीजिएगा, आप कुछ मत कीजिएगा। चलिए अब ये देखो, अब वो ना यहां से निकल ही गए, बाहर ही। अच्छा चलिए, यहाँ पे हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं। बॉटनिकल नेम है हमारा, कहाँ चलेगा भाई, बॉटनिकल नेम है रोजा स्पीसीज एंड फैमिली है रोजेसी। तो रोज की फैमिली रोजेसी। ओरिजन का माना जाता है नदर्न हेमिस्फेयर यानी कि चाइना। सीधा सा आपको वहां पे कोई नदर्न हेमिस्फेयर नहीं लिखा रहेगा, आपका वहां पे लिखा रहेगा चाइना। क्रोमोसोम नंबर होते हैं रोज में 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14, यानी कि रोज जो होता है वो होता है हमारा डिप्लॉइड। टॉप रैंकिंग का फ्लावर है इन द फ्लावर ट्रेड, यानी कि सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन है। तो फर्स्ट रैंक पर यदि आपसे पूछा जाए कट फ्लावर में तो रोज है। सेकंड पर मैंने कल क्या बताया था आपको, क्राइसेंथेमम। और आज से मैं, आज से अपना जो डेटा है यानी कि करंट का डेटा, करंट के डेटा से मेरा मतलब ये है कि जो एकदम अभी का हम कहें कि अभी वाला जो डेटा है, प्रेजेंट का डेटा जो है फ्लोरिकल्चर से रिलेटेड, तो सारा का सारा मैं आज हॉर्टिकल्चर की वेबसाइट पर जाके फ्लोरिकल्चर का डेटा कलेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश आपसे करूंगा, ठीक है। हाँ भाई, कौन कौन यहाँ पे आना चाह रहे हैं? भव्य खुश, सुनील तो आ चुके थे ना एक बार, फिर से क्यों सुनील जी यहाँ पे मांग रहे हैं? वन सेकंड, अभी सुनील जी, चलिए दोनों को एडमिट मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ये मैं डेटा आपको लाने की कोशिश करूंगा। देखो एक ही बार वहां पे क्लिक करना होता है, बार बार क्लिक मत किया करो भाई, है ना। बार बार आप लोग क्लिक कर दे तो बार बार यहाँ पे एडमिट मांगता रहता है। थोड़ा सी बात को समझो, टाइम का इंतजार करना भाई प्लीज। 8:55 पर मैं क्लास को स्टार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, सारे लोग 5 मिनट के अंदर ज्वाइन हो जाया करो, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अब ये देखो तीन तीन लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, भव्य खुश, भव्य खुश, भव्य खुश, ये बार बार बस यही, भव्य को ज्वाइन नहीं है क्या? चलिए अब बार बार ये कर रहे हैं, इनको कुछ समझाना पड़ेगा। ग्रुप में एक इंस्ट्रक्शन दे देना मानस कि ज्वाइन एक बार होना है, बार बार क्लिक करोगे बार बार बैक जाके यहाँ पे एडमिट मांगता रहेगा, इसलिए ओनली एक बार ज्वाइन होके थोड़ा सा वेट किया करो। यहाँ से मैं एडमिट करता हूँ, एडमिट के बाद ऑटोमेटिकली आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रोडक्ट, हाँ मानस सबको बता देना, ठीक है। फिर हम चलें बात करते हैं एशियाटिक स्पीसीज के बारे में। देखो एशियाटिक स्पीसीज यानी कि एशिया में जिन स्पीसीज का ओरिजिन चाइना है, जिन स्पीसीज का ओरिजिन चाइना है वो मोस्टली कैसी है, डिप्लॉयड है, यानी कि उनमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो है 2n इक्वल टू 2x इक्वल टू 14, मोस्टली कहां से, जो चाइना ओरिजिनेटेड स्पीसीज है। बट बात करेंगे वेस्टर्न स्पीसीज की, तो वेस्टर्न स्पीसीज में टेट्राप्लॉयड होती है, यानी कि 2n इक्वल टू 4x करोगे तो कितना हो जाएगा, 28, बिकॉज x का मान यहां पर कितना है आपका, 7, इसलिए। ओके, अब यहाँ पे चैट्स में कोई प्लीज कुछ मत लिखो। हाँ सॉरी, सुनील जी आप तो ज्वाइन है, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे कहाँ आ गए हम, ये पढ़ा रहा था मैं, बर्बन रोज की बात करते हैं, तो बर्बन रोज को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में किसने, ब्रिटिश ने। देखो बर्बन टू ब्रिटिश, बी टू बी यहाँ पर देखना, रोज की बात आए तो बर्बन रोज को किसने, ब्रिटिश ने किया। दमिश्क रोज को बाबर ने, भाई बाबर मत लगा देना, बर्बन रोज का ब्रिटिश ही लगाना, बर्बन से ब्रिटिश, नॉट बर्बन से बाबर। दमिश्क रोज को लेकर आए थे हमारे बाबर जी, एंड रोज का कलर जो होता है वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण रोज कलर होता है। रोज का कलर आपसे पूछा जाएगा सिंपली क्वेश्चन कि रोज में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो आप वहां पर लगाना एंथोसाइनिन। ओके, ऑरेंज रेड टू स्कारलेट, ऑरेंज रेड से लेकर स्कारलेट कलर होता है पहले ग्रुप के कारण, तो ये भी पिगमेंट है, देन एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन एंड पहले ग्रुप, ये दोनों ही पिगमेंट आपके हैं। क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड ये होता है साइनेडीन के कारण, ये भी आपका पिगमेंट है, एंड ब्लू टू वॉयलेट ये कलर होता है आपका डेल्फिडीन के कारण। तो ध्यान रखना, रोज कलर किसके कारण, एंथोसाइनिन, ऑरेंज रेड टू स्कारलेट प्लेग्रेनेडीन, क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड साइनेडीन, एंड ब्लू टू वॉयलेट डेल्फिडीन। नेक्स्ट है हमारा दमिश्क रोज, ये रोज आपने देखा हो, मैंने तो देखा हुआ है, आप सबने देखा होगा, ये है दमिश्क रोज की पिक। देन आगे चलते हैं फ्रूट के टाइप को, फ्रूट टाइप को क्या कहते हैं, रोज हिप, यानी कि देखो इस तरह के तो हमने आज तक रोज में कभी भी फ्रूट मैंने तो नहीं देखे, हो सकता है आप लोगों ने देखे हो, तो इसको कहते हैं रोज हिप, और इसमें पाया जाता है क्या, इसमें पाया जाता है विटामिन सी। तो क्वेश्चन पहले आया भी है भैया, क्वेश्चन पहले आया भी है कि रोज की जो पॉड होती है, रोज की जो फ्रूट होती है उसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो रोज हिप्स यानी कि रोज के फ्रूट में, ये आपको देखेंगे वाइल्ड में, वाइल्ड स्पीशीज जो होती है उनमें आपको ये फ्रूट देखने को मिलेगा, विटामिन सी होता है। अब ये क्या हो रहा है भाई, वीडियो का इसको बंद मुझे करना पड़ेगा। हाँ चलिए, विटामिन सी होता है 100 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, ये इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। फ्रेग्रेंस इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजीन्स, देखो फ्रेग्रेंस हमेशा, मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं, कभी भी आपसे फ्रेग्रेंस पूछा जाए ना तो वो हमेशा पॉलीजीन से ही कंट्रोल होती है। रोज की बात यहाँ पर, रोज कोई ऐसा फ्लावर नहीं है कि जिसमें कोई स्पेशली आपका कैरेक्टर है, फ्रेग्रेंस हमेशा पॉलीजीन से ही कंट्रोल होती है। इंपॉर्टेंट रोज स्पीसीज की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे मिनिएचर रोज की। मिनिएचर रोज को हम बेबी रोज के नाम से भी जानते हैं और फेयरी रोज भी कहते हैं। फ्लोरिडा को हाइब्रिड पॉलीएंथस कहा जाता है। बर्बन रोज को रीयूनियन रोजेस के नाम से जानते हैं। तो भाई किसको, देखिए मिनिएचर रोज को क्या, बेबी रोज, बिकॉज ये छोटा है, और बेबी का कलर कैसा होता है, बेबी का कलर बहुत ही ज्यादा फेयर होता है। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि जो भी बेबीज होते हैं उनका कलर बहुत फेयर होता है, इसलिए इसे फेयरी रोज भी कह दिया। एक तो ये ट्रिक बन गई। फ्लोरिबंडा को हाइब्रिड पॉलियंथस कहेंगे। देन सेकंड है बर्बन को कहेंगे हम क्या, रीयूनियन रोजेस। बर्बन रोज ब्रिटिश के द्वारा लाए गए थे, और ब्रिटिश के द्वारा लाने पर क्या हुआ कि हमें रीयूनियन बनाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उन्हें भगाने के लिए एक यूनियन बनाना पड़ा, तो रीयूनियन रोज भी हम कहेंगे बर्बन रोज को, बिकॉज ये ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। साथ ही साथ में हल्की हल्की ट्रिक्स आपको बताते जा रहा हूं, जिससे कि आपके माइंड में ये चीज बनी रहे, जब भी रिविजन करो ये जरूर ध्यान रखना कि सर ने क्या बताया था, इससे थोड़ी सी लिंक बनती जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सर भव्य बार बार मैसेज कर रहे हैं, शायद आप उसको एडमिट नहीं किया, आप वो वेटिंग में है। नहीं नहीं इसको एडमिट, वन सेकंड, भव्य को मैं एडमिट 4-5 बार कर चुका हूँ मानस, बट वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, वो बोल रहा है कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं सर। हाँ हाँ इसीलिए मैंने कर दिया उसको, वन सेकंड रोको, ज्वाइनिंग अब मैंने एडमिट किया हुआ, उससे बोलो कि वो थोड़ा वहीं पे वेट करें। ओके सर मैं बोलता हूँ। नेट कनेक्शन अच्छा नहीं होने से सर डिस्कनेक्ट हो जाता है। हाँ तो मैं उसे मतलब 4-5 बार ज्वाइन कर चुका हूँ, अभी भी ज्वाइनिंग ही चल रहा है उसके पे। चलो ठीक है अपन आगे चलते हैं, फ्लोरिबंडा की बात करते हैं। फ्लोरिबंडा, देन फ्लोरिबंडा आप यहाँ पर देख रहे हो, देखो ये बंडल टाइप में, इसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो आगे देखेंगे फ्लोरिबंडा के बारे में। देन चाइना रोज आर द एंसेस्टर ऑफ द प्रेजेंट डे पॉपुलर रोज। आपसे यदि पूछा जाए कि आज की वर्तमान में जो
समय चल रहा है, इसमें पॉपुलर रोजेज आपका, इसका एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर यानी कि इसके पेरेंट कौन है, इसकी जो पुरानी पीढ़ी है सबसे पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब है कि पूर्वज कौन है, तो आप बताएंगे भाई चाइना के रोज ही सारे के सारे पूर्वज हैं। तो जैसे कुछ रोजेज के नाम दिए गए हैं, तो देखो इन पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, है ना, क्योंकि बॉटनिकल नेम है, इनको एक से दो बार पढ़ना, यदि वहां पर आसानी से यदि एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा यदि वहां पर इनको एलिमिनेट कर सको तो ठीक है, बाकी माइनस मार्किंग की तुलना करना भैया ये एक विनती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है। तो ग्रीन रोज का नाम क्या है, रोज का चाइनेसिस तो सब में रहेगा, विटी फ्लोरा। डमस्क रोज का नाम है, तो देखो डमस्क का तो याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें भी डमस्क ही आ जाता है। बंगाल मंथली या फिर इसे हम कहते हैं चाइना रोज। वन सेकेंड, कौन है भाई भव्या को फिर से देखो, ये मैं एडमिट हर बार उसे कर रहा हूँ, पहली बार का भी ज्वाइनिंग ही दिखा रहा है, अभी फिर से उसने कहा फिर से ज्वाइनिंग, अब शायद हो सकता है कि भव्या अभी भी ज्वाइन नहीं हुआ, भाई वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कम से कम नेट तो आप ढंग का रख सकते हो ना, बाकी लोग भी तो ज्वाइन है, मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भैया यही सब तो प्रॉब्लम फिर अब यहाँ पर भी फेस होंगी, तो फिर कहाँ क्लासेस लेंगे। चाइना रोज का नाम है मंथली रोज, चाइना रोज का नाम मंथली रोज है, इसे एक बार ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो देखो बंगाल, तो बंगाल चाइना से बहुत ही पास पड़ता है, इसीलिए चाइना रोज का नाम बंगाल रोज हो गया। मंथली रोज इसलिए क्योंकि चाइना की चीजें ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, मुश्किल से एक महीने चलेंगी या दो महीने, तो ये हो जाएगा आपका मंथली रोज। रोजा चाइनेसिस का नाम है मस्क रोज, मस्क रोज का देखो मॉस्कोटा, यहाँ पर मस्क है, मस्क से याद रख लेना यहाँ पे मॉस्क, सीधी सी बात है, मॉस्क रोज याद रखो, मस्क को क्या पढ़ो, जैसे बंगाली में मॉस्क बोल देंगे तो मॉस्क द रोजा मॉस्कोटा, एंड हिमालयन मस्क रोज को बोलेंगे रोजा बर्गुनी, हिमालयन मस्क अलग है भाई, तो इसको थोड़ा अलग रखना। डॉग रोज का रोजा कैनिना, बिकॉज डॉग में आपके कैनाइन टीथ होते हैं, डॉग में कैनाइन टीथ होते हैं, उसी से वो मीट वगैरह को खाते हैं, तो इसीलिए रोजा कैनाइना नाम है डॉग रोज का। एडवर्ड रोज रोजा बर्बोनियाना, कैबेज रोज है रोजा सेंटिफोलिया, एंड येलो रोज या फिर बर्नेट रोज तो रोजा फाइटेटा, इनका नाम है, ये आपको ध्यान रखना। आगे चलें, आगे बात करें मिनिएचर रोजेस, मिनिएचर रोज यानी कि छोटा रोज, मिनिएचर रोज का एक और नाम क्या है, बेबी रोज, बेबी रोज का एक और नाम क्या है, बेबीज बहुत फेयर होते हैं तो फेयरी रोज। भव्या को मैं एक बार फिर एंटर कर दिया हूं, अब देखिए भव्या एंटर हो पाता है कि नहीं, ज्वाइनिंग ही उसका दिखा रहा है भाई, चलो मुझे लग रहा है कि अब शायद एंटर हो चुका है। हाँ भव्या जी, देखिए मैं आपको हर बार ज्वाइन कर रहा था, बट आपका नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, नेटवर्क बहुत स्लो है भव्या आपका, इसलिए प्रॉब्लम हुई। मिनिएचर रोज सर आपका नेट हो गया, देखो अभी आपकी वॉइस भी कट सर आपकी पहुंच पा रही, ओके सर ओके, मैं वीडियो देख लूंगा बाद में, अगर नहीं देख पाया तो नो इश्यूज। हाँ हाँ बाद में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आपको इसके वो दे दूंगा लिंक, ओके है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं। हार्डी एंड शूटेड फॉर पॉट कल्चर, अब जो मिनिएचर रोज होता है ना, क्योंकि देखो हमने ज्यादातर देखा है कि लंबा इंसान जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, दुबला होता है, लगभग हमने सबको ये देखा, और जो छोटा इंसान होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, हार्ड यानी कि मतलब उसकी जो बॉडी होती है वो भी जिम में बहुत जल्दी बनती है, बहुत अच्छे शेप में आती है जो छोटा इंसान होता है, तो ये मिनिएचर है तो भाई हार्ड ही होगा। एंड पॉट कल्चर, अब भाई छोटा सा है तो सीधी सी बात है गमलों में ही लगाएंगे, खेत में तो लगाएंगे नहीं, तो पॉट कल्चर के लिए है। पॉपी लव इसे हम कहते हैं, इसका आंसर क्या है, पॉपी लव, और पॉपी लव जो है मिनिएचर रोज की वेराइटी है, स्पीसीज है, आइडियली है, बहुत ही ज्यादा आदर्श होता है किसके लिए, एजिंग के लिए, तो एजिंग का कितना साइज होता है, 20 से 30 सेंटीमीटर, आप लोगों को सबको मैं बता दूं, जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूं ना कि एजिंग का कितना साइज होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, मन ही मन आपको वो रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा है, 20-30 सेंटीमीटर, आप अपने अपने घर पर बैठे हैं वहां पर बोल सकते हैं, भले ही लोग अपने को पागल समझे, बट अपन बोल बोल के वहां पर पढ़ेंगे।
पॉट्स एंड रॉकरीज, रॉकरीज मैंने हमेशा बताया हुआ है जिनको रॉक्स की जो ग्रेवीज होती है, जो अपनी रॉक्स हैं इनके बीच में जो दरारें होती हैं, इनमें से जड़ें इसकी निकल जाती है और यहाँ पर प्लांट अपना उग जाता है, उसे कहते हैं रॉकरीज। एंड विंडो गार्डनिंग यानी कि खिड़कियों पर रखने के लिए ये हमारा मिनिएचर रोज बहुत ही सूटेबल होता है। फ्लोरीबंडा रोज आर मोस्ट सूटेबल फॉर हेज। देखो फ्लोरीबंडा किसके लिए है, हेज के लिए। मिनिएचर किसके लिए है, हेज के लिए। दोनों अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। फ्लोरीबंडा हेज, लेकिन मिनिएचर हेज, दोनों ही डिफरेंट टर्म है, दिमाग में एकदम अच्छे से बिठा लेना। मिनिएचर एंड ड्वार्फ पॉलीएंथस आर यूज फॉर ब्यूटिफाइंग टेरेसेस एंड बालकनीज। जो मिनिएचर होते हैं और ड्वार्फ पॉलीएंथस होते हैं, इनके द्वारा हम छतों को ऑर्नामेंट करते हैं, ब्यूटिफाइंग, बहुत सुंदर बनाते हैं, और साथ ही साथ जो बालकनी होती है उनके अंदर भी मिनिएचर और ड्वार्फ पॉलीएंथस को रखा जाता है। फिर हम बात करें थॉर्नलेस की। हाँ भाई, कौन यहाँ पे क्या मुझे चैट कर रहा है, मैंने मना किया है फिर भी। इरिसाइन अल्टरनेथ्रा यूजिंग फॉर एजिंग, हाँ वो अलग है सुनील जी, वो आपका इरिसाइन अल्टरनेथ्रा वो तो एजिंग के लिए करते हैं, बट यहाँ पर रोज मैं बता रहा हूँ आपको। थॉर्नलेस कल्टीवार यानी कि कांटे रहित कल्टीवार रोज का आपको याद रखना है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ग्रांड गाला ग्रुप, एक इनका ग्रुप है, कौन सा, ग्रांड गाला ग्रुप, इनसे बिलोंग करते हैं कांटे रहित कल्टीवार। और थॉर्नलेस स्पीसीज है रोजा ब्लांडा, रोजा ब्लांडा थॉर्नलेस स्पीसीज है। आगे हम चलें, कुछ ग्रुप हैं और इन ग्रुप के पेरेंट्स हैं यानी कि इसके क्रॉस से बने हैं, तो ये टेबल भाई आप लोग ध्यान रखना, भले ही वैरायटी याद मत रखना, वैरायटी वाला पोर्शन भले ही छोड़ देना नो प्रॉब्लम, बट इनका क्रॉस जरूर याद रखना। तो हाइब्रिड टी किसका है, हाइब्रिड परपेचुअल इंटू टी रोज। फ्लोरीबंडा किसका क्रॉस है, हाइब्रिड टी इंटू पॉलीएंथस, इसीलिए फ्लोरीबंडा को क्या कहते हैं पता आपको, हाइब्रिड पॉलीएंथस, ध्यान रखना। फ्लोरीबंडा को क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड पॉलीएंथस, क्योंकि हाइब्रिड टी रोज एंड पॉलीएंथस का क्रॉस है। टी रोज रोजा काइनेसिस एंड रोजा गैंग्रीटियन, एंड ग्रैंडी फ्लोरा है फ्लोरीबंडा इंडू हाइब्रिड टी। तो ध्यान रखो ग्रैंडी फ्लोरा, इसमें फ्लोरा भी छह रहा है तो फ्लोरीबंडा पहले आ जाएगा इंटू हाइब्रिड टी। देखो फ्लोरीबंडा को हाइब्रिड टी के साथ मिलाया तो ग्रैंडी फ्लोरा बना, हाइब्रिड टी के साथ पॉलीएंथस को बनाया तो फ्लोरीबंडा बना, और फ्लोरीबंडा को कहते हैं हाइब्रिड पॉलीएंथस। और इसकी वैरायटी है ग्रैंडी फ्लोरा की, ध्यान रखना, क्वीन एलिजाबेथ, फेमस वैरायटी है, एक वैरायटी इसकी याद रख लेना। डमस्क रोज किसका क्रॉस है, रोजा गैलिका एंड रोजा फोनिसिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्बस भी ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं है इंपोर्टेंट, बट एक एक बार सब पढ़ना है, पढ़ना सब है। रोजा कॉरिबिफेरा एंड रोजा गैलाइका। नोइस्टे रोजेस हैं आपके रोजा चाइनेंसिस एंड रोजा मोस्काटा। ऑस्ट्रियन ब्रियर्स मेन सोर्स है मॉडर्न येलो रोजेस का, एंड रुगोसा थॉर्नी जापानीज रोज है पिंक, ये याद मत रखना, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये जरूर आपको याद एक दो बार पढ़ लेना है स्लाइड वाले, बट ये वाले जो स्लाइड के है ना ये तो रट लेना, एकदम रट लेना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 50.5 डिग्री सेंटीग्रेड रोज के लिए, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। ग्रोथ रेगुलेटर सारे लोग जानते हो, आईबीबी, आईबीए एंड एनए। आईबीए क्या है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, एंड एनए क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। सेट मीडिया हम यूज करते हैं बेस्ट रूटिंग मीडिया फॉर रोज। रोज के लिए रूटिंग मीडिया कौन सा यूज होता है, सेट मीडिया। सेट मीडिया में कुछ नहीं है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली सेट होता है, ना कंप्लीटली सेट नहीं होता, बट रेत जो होता है इसका परसेंटेज इसमें ज्यादा होता है। आइडियल टाइम है बडिंग के लिए नदर्न प्लेन्स में क्या है, दिसंबर टू फरवरी। आइडियल टेम्परेचर नदर्न प्लेन में जरूर पूछा जाएगा, उत्तरी मैदान में, बिकॉज जो दिल्ली है वो भी हमारा नदर्न रीजन में है, तो दिसंबर टू फरवरी। टेम्परेचर बर्ड यूनिट के लिए यानी कि बर्ड सबसे ज्यादा कब बनेंगे, जब 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। आइडियल टाइम प्लांटिंग के लिए नदर्न प्लेन में कब है, मिड अक्टूबर। बडिंग के लिए दिसंबर फरवरी, प्लांटिंग के लिए मिड अक्टूबर, ये ध्यान रखना नदर्न प्लेन का। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप पे, कमर्शियल मेथड क्या है, रूट स्टॉक ऑफ रोजेस यूज इन इंडिया स्टेम कटिंग एंड
रोजा निटिडा, रोजा ब्लांडा एंड रोजा वर्जीनिया में रूट कटिंग। लेकिन हमेशा पूछा जाएगा कि रोज की कमर्शियल मेथड क्या है प्रोपेगेशन की, तो टी बडिंग तो याद रखना ही है, ये माइंड में एकदम अच्छे से बिठा लेना, कमर्शियल मेथड टी बडिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करेंगे रूट स्टॉक की, रूट स्टॉक और इनके पर्पस क्या है। तो पहले तो बात ये रख लेना याद कि रूट स्टॉक कौन कौन से है। पहला है वैराइटी ओडोराटा, सेकंड है कैनाइना, थर्ड है मल्टीफ्लोरा, फोर्थ है रुब्यूसा एंड थर्ड है क्लिनोफाइला। तो ये सारे के सारे क्या है, रूट स्टॉक, इनके नेम याद रख लेना। अब देखो जो ओडोराटा है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रोज का रूट स्टॉक है, कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया के लिए, क्योंकि ये टॉलरेंट है नॉट रेसिस्टेंट। इन सभी बातों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, बस इनको हमें पढ़ना है, ज्यादा डीपली बिल्कुल मत जाना, ज्यादा डीपली में पढ़ने का नहीं बोल रहा, बिकॉज ये हमारा लास्ट टाइम चल रहा है। रेसिस्टेंट नहीं है, टॉलरेंट है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए और हाई सोइल पीएच के लिए, रेसिस्टेंट। अब देखो रोजा कह रहा है ना, रेसिस्टेंट है किसके लिए, ड्रॉट के लिए और हैवी सोइल के लिए। आपका मल्टीफ्लोरा नेमेटोड रेसिस्टेंट है, कॉमन रूट स्टॉक हम करते हैं कोस्टल एरियाज में यूज, कोल्ड के लिए रेसिस्टेंट है रुब्यूसा एंड हीट के लिए रेसिस्टेंट है हमारा क्लिनोफाइला। तो रेसिस्टेंट एंड टॉलरेंट में थोड़ा सा माइनस डिफरेंट है, बट आपको याद रखना है। चलें आगे बात करें ग्रुप्स की, फ्लोरीबंडा, इसमें प्रोटीन टाइप क्या है। दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट, अपग्रेड नाउ टू रिमूव द 40 मिनट्स टाइम लिमिट। क्या बात है भाई, ओके कोई बात नहीं। यदि देखो आज यहाँ पे 40 मिनट में ये मीटिंग यदि आपकी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, तो मैं फिर से मीटिंग क्रिएट कर दूंगा, ठीक है, फिर से मीटिंग क्रिएट कर दूंगा 40 मिनट के लिए, 40 मिनट के लिए फिर से, 5 मिनट में सारे लोग ज्वाइन हो जाना, लेकिन टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। ओके सर, अभी जितने लोग, जी सर, हाँ सारे लोग ज्वाइन हो जाना, फिर 40 मिनट और पढ़ लेंगे, क्योंकि ज्यादा तो अपने को पढ़ना ही है। इसमें प्रूनिंग टाइम रखते हैं मॉडरेट टू लाइट प्रूनिंग, हाइब्रिडी में होगी हार्ड प्रूनिंग, पॉलीएथस में लिटिल और नो प्रूनिंग एंड मिनिएचर या फिर क्लिम्बर्स में नो प्रूनिंग। सबसे पहले देखो ये ध्यान रखना कि मिनिएचर, देखो भाई छोटा सा गुलाब है उसमें प्रूनिंग करके और हम कितना छोटा करेंगे, तो छोटे को और छोटा नहीं किया जाता है। प्रतीक्षा भानु, अब जाके आ रही है प्रतीक्षा जी, पॉलीएथस है, पॉलीएथस भी क्या होता है, मिनिएचर से थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसमें भी हल्की सी या फिर नो प्रून, लेकिन ये ध्यान रखना हाइब्रिडी में, हाइब्रिडी जो है इसमें हार्ड प्रूनिंग की जाती है। प्रूनिंग का टाइम देखो सेकंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गुलाब में प्रूनिंग कब की जाती है, तो अक्टूबर के मंथ में या फिर सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। इंडियन हिल्स में अक्टूबर नवंबर फिर भी वही समय रहेगा, परेशान नहीं होना। साउथ इंडिया में साल में दो बार, ध्यान रखना साउथ इंडिया में साल में दो बार, लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या है, ओनली वन बार, कब, अक्टूबर नवंबर, 23 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच कमर्शियल पर्पस के लिए करें, कब, 23 सितंबर से। ये थोड़ा सा एक स्पेसिफिक डेटा है, तो इसको माइंड में बिठा लेना। आगे चले, आगे बात करेंगे, शायद प्रतीक्षा भानु यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी हैं। प्रतीक्षा इतने लेट आए हो आप, 5 मिनट बाद क्लास एंड हो जाएगी, मतलब क्या है यहाँ पे, गलत बात है ना ये। अब मैं फिर से क्रिएट करूंगा प्रतीक्षा, तो अब टाइम से आ जाना। सर नेटवर्क इशू था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आज घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैं फिर से क्लास क्रिएट करूंगा, अभी तो फिर से आ जाना आप, है ना, ठीक है, ओके। हाँ आगे चलते हैं हम, विंटरिंग, विंटरिंग का मतलब होता है रूट प्रूनिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंटरिंग इज आल्सो नोन एज या फिर विंटरिंग इज अ मीनिंग, तो आपको बताना है वहां पे रूट प्रूनिंग इसका मतलब है, यानी कि विंटर में हम रूट्स को कट करेंगे, क्यों करेंगे, प्रैक्टिस इज फॉलोड फॉर अर्ली फ्लावरिंग, क्योंकि हमें फ्लावर जल्द से जल्द चाहिए होते हैं, तो रूट को काट देंगे। और पुणे रीजन में, महाराष्ट्र में रूट प्रूनिंग होती है, महाराष्ट्र के पुणे रीजन में विंटरिंग की क्रिया की जाती है। आफ्टर रूट प्रूनिंग इट टेक्स 45 डेज टू फ्लावर, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रूट प्रूनिंग के कितने दिन बाद फ्लावर आ जाते हैं, तो 45 दिन बाद फ्लावर आपके आ जाएंगे। पिंचिंग और डिसबडिंग हम रोज में करते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि पिंचिंग और डिसबडिंग रोज में करते हैं, बट पिंचिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है हमारा क्राइसेंथेमम में,
ये हम आपको बता चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखना। डीशूटिंग, डीशूटिंग क्या है, सूट्स को अलग करना, जो सूट्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उनको अलग करना। हम इसमें करेंगे हाइब्रिड टी में डीशूटिंग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड टी में हम हार्ड प्रूनिंग कर रहे थे। अब हार्ड प्रूनिंग में क्या होगा भाई, सीधी जब इसकी सूट्स को ही अलग कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हार्ड क्या होगा, क्यों, क्योंकि इससे यील्ड इंक्रीज हो जाएगी 50 से 75%, क्योंकि गुलाब में जो रोज होता है ना, रोज फ्लावर वहीं पर लगेंगे जहां पर कटिंग की गई हो, यानी कि जहां पर न्यू बड्स आते हैं, न्यू ब्रांचेस होती हैं, वहां पर ही रोज लगता है। तो पुरानी जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको कट कर देंगे, यील्ड में इंक्रीजमेंट आएगा 50 से 75%। बेंडिंग इज डन इन 3 months ओल्ड प्लांट, 3 महीने का जब ओल्ड प्लांट हो जाता है, पुराना प्लांट हो, तो बेंडिंग यानी कि उसको हम थोड़ा सा झुका देंगे। बेंडिंग का मतलब क्या है कि मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद क्या होगा, टू इंड्यूस द न्यू स्प्राउट। सीधी सी बात है, यहाँ से जब आप उसे बैंड कर दोगे, ऐसा ये पौधा है, यहाँ से बैंड कर दोगे तो यहाँ से न्यू स्प्राउटिंग करेगा, इस तरीके से स्प्राउटिंग होने लगती है। बैलेंस करेंगे हम सोर्स और सिंक के बीच में। अब सोर्स और सिंक क्या होता है, ये हमने आपको एग्रोनॉमी में बहुत अच्छे से बताया, यहाँ डेफिनेशन मतलब कि आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चले, आगे बात करेंगे हार्वेस्टिंग स्टेज। तो कट फ्लावर के लिए यदि लोकल मार्केट के लिए हमें कट करना है तो हार्वेस्टिंग कब करेंगे, जब उसके आउटर पेटल्स कर्ल होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि जो उसके बाहर वाले पेटल्स हैं थोड़े से अंदर की ओर मुड़ने लगे। फॉर डिस्टेंस मार्केट के लिए टाइट बड स्टेज, जब वो टाइट बड स्टेज में हो, जब आपका जो कलर है वो फुली डेवलप हो गया हो, लेकिन पेटल्स उसके अनफोल्डेड हो, पेटल्स उसके फोल्ड ना हुए हो। लूज फ्लावर के लिए हार्वेस्ट करेंगे जब वो पूरी तरह से ओपन हो, ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, सिंपल सा है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि सिंपल सा आप एक दिमाग लगा सकते हो, सीधी सी बात है, यदि लोकल मार्केट के लिए जाना तो भाई उसे हम थोड़ा और मैच्योर होने देंगे, ज्यादा दूर के लिए जाना है तो पहले ही तोड़ना पड़ेगा। लूज फ्लावर के लिए तोड़ना है तो पूरा का पूरा ओपन होगा तभी अच्छा लगेगा। रोज में जो एसेंशियल ऑयल होता है ये जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, रोज के अंदर एसेंशियल ऑयल है उसे ओटो ऑफ रोजेस कहा जाता है। और इसको एक्सट्रैक्ट किस मेथड के द्वारा किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसको एक्सट्रैक्ट हम करते हैं। रोज फ्लावर में एसेंशियल ऑयल कंटेंट है कितना, 0.02-0.05%। फिर हम बात करें इंपोर्टेंट ऑयल यील्डिंग रोज की स्पीसीज है कौन सी है, रोजा डेमस्काना बर्बोना, तो ये मेरे हिसाब से छोड़ दो, ये वाला पॉइंट याद मत रखना, कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया में हम बात करें तो डेमस्काना बहुत मेन है और बर्बोनियाना मेन है, इंडिया में बिल्कुल ये वाला पॉइंट याद रखना है। बुल्गारिया जो है वो मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है किसका, ओटो ऑफ रोजेस का, यानी कि एसेंशियल ऑयल का, कौन है भैया हमारा, बुल्गारिया। सबसे ज्यादा सूटेबल स्पीसीज है यहाँ पर एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए रोजा डेमस्काना, ये थोड़ा ध्यान रखना कि रोजा डेमस्काना यानी कि डेमस्क रोज से सबसे ज्यादा ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। मॉडर्न ऑयल बियरिंग डेमस्क रोज रोजा डेमस्काना त्रिकिंती पिताला, तो ये मॉडर्न आपका एक वैरायटी है जो रोजा डेमस्क की निकली हुई है, तो त्रिकिंती पिताला इसकी वैरायटी है, ये भी आप ध्यान रखिए। अच्छा भाई यहाँ पे 2 मिनट और बचे हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर आगे। 4000 किलोग्राम ऑफ पेटल्स से हम 1 किलोग्राम रोज ऑयल ऑब्टेन करते हैं, कितने से, 4000 किलोग्राम पेटल से 1 किलोग्राम रोज का ऑयल निकाला जा सकता है। एसेंशियल ऑयल इज अ जेनेरिक टर्म अप्लाइड टू ऑल एरोमेटिक प्लांट, जितने भी सुगंधित प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं रोज का, एंड रेजिनॉइड्स एंड कॉन्क्रीट। एसेंशियल ऑयल्स रेजिनॉइड्स यानी कि इसमें जो एक मोम जैसा पदार्थ निकलेगा, कंक्रीट भी बेस्ट लाइक सब्सटेंस होगा वो भी यहाँ से निकलता है। इनक्लूरेज इज यूजली प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम डेलिकेट फ्लावर सच एज रोज एंड जैस्मिन, ये बिल्कुल याद नहीं रखना, बट इनक्लूरेज यहाँ पर देखना कि ये किसमें प्रैक्टिस किया जाता है, रोज जैसे फ्लावर में, जैस्मिन जैसे फ्लावर में। अब ये इनक्लूरेज क्या है क्या नहीं है इसे छोड़ो, बट ध्यान ये रखना इंक्लूडेड एक टर्म है जो कि रोज एंड जैस्मिन में यूज की जाती है। मेन कंपोजिशन रोज ऑयल का क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, सिट्रोनेलॉल एंड जेनियोल, ये रोज के ऑयल में पाए जाते हैं, सिट्रोनेलॉल एंड जेनियोल। बुल्गारियन रोज जो है वो ऑयल के इज ऑर्गेनाइज्ड एज द अल्टीमेट बेस्ट रोज ऑयल, सीधी सी बात है, बुल्गारिया एक्सपोर्टेड है ओटो ऑफ रोजेस का, तो अल्टीमेट बेस्ट रोज ऑयल भी कौन बनाएगा, बुल्गारिया ही
बनाकर देगा। रोज वाटर, गुलाब जल जो हम देखते हैं मार्केट से लेकर आते हैं, वो क्या है, पेटल्स की जो रोज की जो पेटल्स होती है ना, उनको वाटर में अंदर डिस्टिलेशन किया जाता है, उसके बाद उसका वाटर निकाला जाता है। रोज का गुलकंद, आपको ध्यान रखना है गुलकंद इसमें मिला होता है शक्कर और उसकी पत्तियां, शक्कर अनुपात रोज की पेटल्स यानी कि रोज की जो पंखुड़ियां होती है वो मिली होती है, पंखुड़ियां पत्तियां तो नहीं कहेंगे पंखुड़ियां, और एक अनुपात एक यानी कि 5 किलो शक्कर तो 5 किलो पत्ती लेकर आओ, पंखुड़ी लेकर आओ, 10 केजी शक्कर तो 10 किलो पंखुड़ी लेकर आओ, ऐसे बनता है गुलकंद। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुलकंद किससे बनाया जाता है, तो रोज से बनाया जाता है। रोज गुलकंद का यूज हम करते हैं टॉनिक के रूप में, यह हमें थोड़ी सी एनर्जी प्रदान करता है, लेजेटिव यानी कि यदि आपका पेट वेट खराब है तो भी इसे यूज कर सकते हैं। एडवर्ड रोज मेनली यूज फॉर मेकिंग गुलकंद, जो एडवर्ड रोज है ना इसका यूज किया जाता है गुलकंद बनाने में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है। ड्राइड रोज की जो पेटल्स होती है उन्हें हम पंखुड़ी कहते हैं बिल्कुल, और इनका जो मेनली यूज है वो प्रिपेयरिंग कूल ड्रिंक्स, जो अपन ठंडी ड्रिंक्स पीते हैं ठंडा वगैरह कर भी, तो वो रोज की पंखुड़ी भी उनमें डाल दी जाती है। जब हम कभी कहीं पर चलकर जाते हैं माता माता जी के द्वारे, तो वहां पर हम देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग टंकियों में वो कोल्ड ड्रिंक्स बनाकर बैठे रहते हैं, और वहां पर सब बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां डली रहती है, तो वो है हमारा क्या,